बहुत बड़ी फैन हूँ पर्सनली, और बहुत कम होता है कि जब आप अपने कम कहते हैं ना कि कंपटीशन वाला जो हिसाब है उसका उनकी फैंस होती है। बहुत करीबी दोस्त ने बताया कि पहली फिल्म कौन सी थी? रंगीला बाबू। रंगीला बाबू। बहुत अच्छे दोस्त होना ये ना ये नहीं होता कि मैं इनकी फिल्मों के नाम याद रखूं। एक्चुअली जब अच्छे दोस्त होते हैं ना तो पर्सनल चीजों में ज्यादा जरूरी होता है, इनकी लाइफ में क्या चल रहा है या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है वो पूछ लो, वो सब पता है एक दूसरे का। तो एक फैन भी बता देता है, वही बताएगा। पहली फिल्म आपकी बहुत हिट रही है, उसका नाम लेकर बताएं। आप किन से बात कर रहे हैं? आप इस बात से रंगीला बाबू। रंगीला बाबू, हाँ मेरी फिल्म हिट थी, लेकिन मैं पहले मेरी जो बहुत अच्छी फ्रेंड है अनारा, मैं उनकी बात करना चाहूँगी। बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग, बहुत ही डाउन टू अर्थ, इतनी टैलेंटेड हैं, उसके बाद भी जरा सा भी उनको अपने ऊपर घमंड नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसके लिए वो जो बॉन्डिंग है हमारी कुछ सालों बाद बनी, लेकिन जब बनी है तो फिर बहुत ही पुख्ता बनी है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग बनी है। आज इस उत्सव के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? 2019 का दूसरा दिन है और इतना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए कितनी बड़ी और कितने गौरव की बात है। ऑफकोर्स मैं सबसे पहले तो अपने सारे दर्शकों को हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूँगी। 2019 आ गया और 2018 में हमने जितनी मस्तियाँ की, जितनी सारी भी चीज़ें करी। हाई हेलो। ऐसे करते करते तो, फेम बढ़ता जाएगा। तो उन सब के बाद अब ये 2019 हमारे लिए बहुत ही होपफुल ईयर है, और शुरुआत में ही हम सारे के सारे इंडस्ट्री वाले एक साथ मिलकर और ये जश्न एक तरह से मना रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। और वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि 2019 जो है वो हमारे लिए बहुत ही धमाकेदार ईयर रहे। जैसा कि हमने सुना, हमारे मनोज जी ने एक अनाउंसमेंट भी करी है कि शायद हमारी भोजपुरी लैंग्वेज को मान्यता मिल सकती है, तो इसके लिए बहुत बहुत होपफुल हैं हम लोग, और अगर वो मिल जाती है तो हमारे लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है। हीरोइन थी जो बहुत सुपरहिट फिल्म हुई थी, और अभी क्या कुछ नया उनके साथ आने वाला या कुछ उनके साथ कुछ बातें कुछ शेयर करिए जो याद हो शूटिंग पहली? वैसे तो बहुत सारी फिल्में की हैं हमने साथ में, और फर्स्ट फिल्म जो खेसारी जी की थी साथ में, तो बहुत ऐसी बातें होती हैं जब उनको वो खुद भी मुझे बोलते हैं कई बार कि पूरी सिनेमा के लिए नया खेसारी लाल यादव था, आप तो पहले से ही हैं, तो उनके बारे में कुछ ऐसी बात जो उस टाइम पर नहीं जानते थे अब जान रहे हैं। उस टाइम पे मुझे एक बात याद आ रही है, पता नहीं ही इज गोइंग टू हेट मी फॉर दिस, उनको कंडीशनर नहीं पता था क्या होता है। इट्स एक्चुअली वेरी स्वीट, तो उनको बता दिया, उनके बाल बहुत लंबे लंबे थे, तो उन्होंने बोला कि अब ये बाल थोड़े रूखे हो रहे हैं, डायरेक्टर सर ने बोला कि इनको थोड़ा सा वो बाउंस आना चाहिए एंड ऑल, तो क्या करें भैया इतना आवता। फिर मैंने उनको अपना कंडीशनर दिया, मन का इससे आप अपने बालों को कंडीशन करके एंड देन नेक्स्ट डे आप आइए तो मे बी आपको कुछ हेल्प मिलेगी। खेसारी लाल यादव आई लव यू इस तरह से I love you बोलते हैं, I love you। उनका बहुत ही अलग अंदाज है, I love you। तो ठीक है, आजकल तो वो love you नहीं ठीक है बोल रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, I love you, ठीक है। जी जी press the bell icon on the YouTube app and never miss another update।